नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे, काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग ऋण शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। शनि की महिमा अपरंपार है। आपको बता दूं कि शनि की मार्गी चाल मेष राशि मेष लगन वाले लोगों के लिए एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है। 4 नवंबर से जैसे ही शनि महाराज अपने घर में यानी कि कुंभ राशि में जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, आने वाले 8 महीनों तक, आप ये कह सकते हैं कि 2024 तक शनि अपनी मार्गी चाल में यानी कि तकरीबन 30 जून तक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। क्योंकि देखिए 30 अक्टूबर से राहु आपकी राशि से निकल जाएगा और ऐसे में अब जो कि मेष राशि पे ना ही 7.5 का दौर चल रहा है ना ही 2.5 का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे में शनि के आने वाले ये 8 महीने आपके कर्म भाव पे, आपके लगन पे, आपकी सेहत, आपके काम कारोबार पे किस तरह से प्रभावित करेंगे, इस बार मार्गी शनि के ये 8 महीने मेष राशि मेष लगन वाले लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाले हैं, जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले शनि अब जो वक्री चल रहे थे लेकिन अब वक्री से शनि का मार्गी होना मेष राशि मेष लगन वाले लोगों के लिए कितना बड़ा धमाका है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जैसे कि लगन भाव में अभी तक राहु चल रहे थे और सप्तम भाव में केतु थे, तो 12 अप्रैल 2022 से स्थिति यथावत बनी हुई थी जी, और 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए इस गोचर को चेंज होने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बड़े तनाव से मुक्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी मैं समझाता हूँ। एक तो लगन भाव में जब राहु हटा तो वैसे ही बड़ी सिरदर्दी परेशानी दूर होती है आपके पारिवारिक जीवन में भी और काम कारोबारी स्थिति में भी। शनि की तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही थी और शनि तीसरी दृष्टि से नीच भाव को अभी भी देख रहे हैं, लेकिन जब यार राहु बैठे हुए थे तो स्थिति और ज़्यादा मारक थी, कुछ तो परेशानियाँ ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर राहु 30 अक्टूबर को हट जाएंगे और शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो शनिदेव की मार्गी चाल जो है वो तेज़ी से काम बनाएगी मेष राशि वालों के। यानी कि पहले अगर वक्री गति से लाभ दे रहे थे तो अब यहाँ तेजी से लाभ देंगे। बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो परेशानियों का जो अंत है अब होने वाला है और जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे अपनी इसी मार्गी चाल में मेष राशि को शुभता ही देकर जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ ये हम आगे जानेंगे मयंक जी से। तो जो कि देखिए शनि की दृष्टि सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगी, तो आने वाले ये 8 महीने यानी कि जून 2024 तक का समय मार्गी शनि आपके सेहत को कैसे बना के रखेंगे, जान लेते हैं, बताएं। देखिए मेष राशि वालों को वैसे तो कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, राहु केतु का गोचर इनके लिए बहुत अच्छा है, परिवर्तन हो गया है, सेहत में सुधार होगा। लेकिन शनि की जो है तीसरी दृष्टि जो पड़ रही लगन भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर क्या रहना चाहिए, उन लोगों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा जिनको हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, सिर दर्द रहता है या सिर से संबंधित कोई भी परेशानी है, नसों में दर्द रहता है, इस तरीके की जिन लोगों को समस्या है वो समस्या थोड़ी सी परेशान कर सकती है क्योंकि शनि की यहाँ नीच दृष्टि पड़ रही है। और शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है वो देखिए आप पड़ रही है अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि में, तो यहाँ शनि पेट संबंधी रोग भी देता है या पेट से नीचे के रोग से परेशान करेगा, तो इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गंभीर दिक्कत नहीं रहेगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका आपको इलाज ना मिले या परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन छोटे छोटे हेल्थ इशू इस तरह के शनिदेव जो है वो देकर चलेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस मामले में
सेहत का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इनके विद्या भाव पर भी मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए मार्गी शनि कैसे रहेंगे 8 महीने तक? देखिए, शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, विद्या बुद्धि ये आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल रही है, छात्रों को लाभ मिलेगा। जो छात्र अभी अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करने वाले हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद हम कहते हैं कि आने वाले मार्च अप्रैल में या किसी भी समय पर अगर आपकी पढ़ाई समाप्त हो रही है और आप सर्च फॉर द जॉब ढूंढ रहे हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा समय रहेगा। शनिदेव आपकी नौकरी भी लगवाएंगे और छात्रों की पढ़ाई भी अच्छी करवाएंगे, तो दोनों ही लिहाज से ये समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। शिक्षा परीक्षा में नाम कमाने के लिए अच्छा है, कोई आप रिसर्च पे स्टडी करना चाहते हैं वो अच्छा रहेगा, प्लस अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो शनिदेव यहाँ नौकरी देने के भी योग बना रहे हैं। अगर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने की सोच रहे हो और 24 में प्लान किया हुआ है, तो क्या लगता है यहाँ मार्गी शनि इनकी कुछ हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं और एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले अगर आपका जब भी आपका सत्र शुरू हो रहा है नवंबर से, तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अब जो कि देखिए, मार्गी शनि की दृष्टि आपके काम कर्म भाव पर भी पड़ेगी और शनि का तो कहा ही जाता है कर्म फलदाता, तो यहाँ इनके काम कारोबार में क्या लगता है जी, कितनी तरक्की देंगे शनि महाराज? ये समझिए दशम भाव का कारक नौकरी व्यवसाय काम कारोबार आपके नेम फेम को देखा जाता है जी। और सेम यही 11वें भाव को देखा जाता है। 11वां भाव 1% एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि ये लाभ का है। अब शनि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये समय कर्म की वृद्धि होगी, नौकरी में लाभ होगा, प्रमोशन होगा, नौकरी चेंज कर सकते हैं और आपको प्रमोट किया जाएगा, आपकी सैलरी अच्छी बढ़ेगी, बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो नौकरी से भी ज़्यादा लाभ है कभी कभी, क्योंकि आप जानते हैं कि लाभ किसको होता है, सिर्फ व्यापारियों को ही होता है। और अगर शनि जब लाभ देना शुरू करता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कीमत नहीं होती है, यानी कि वो असीमित लाभ देता है, 4 गुना लाभ देता है। तो यहाँ शनि अब आपको तेजी से जब आगे बढ़ेंगे ना मार्गी चाल से, तो शनिदेव को पूरी पावर मिल चुकी है लाभ देने के लिए, तो यहाँ शनि काम कारोबार को तेजी से बढ़ाएंगे। नए काम की शुरुआत करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है जी। तो लगन में आपके गुरु भी चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि जितने भी व्यापारी हैं मेष राशि वाले, खासकर अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या मेष लगन है, तो तैयार रहिए बड़ा लाभ कमाने के लिए। नए काम की शुरुआत कर डालिए तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। और जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, खेल में हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको विशेष लाभ शनिदेव देंगे। तो सोचिए, शनि मार्गी होके आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव में बैठकर आपके लगन को भी देख रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को देख रहे हैं, आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं और आपकी विद्या बुद्धि को भी देख रहे हैं, और इन सब के साथ साथ आपके आर्थिक पक्ष पर भी अब जब शनि की नज़र पड़ेगी, तो क्या मैं जी ये समझ लें कि इन 8 महीनों में शनि इनको मालामाल करके जाएंगे? डेफिनेटली। देखिए, अभी भी मेष राशि वाले प्रॉफिट में थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, डबल प्रॉफिट होगा, डबल ट्रिपल प्रॉफिट होगा। अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं आपका, अब आप ये समझिए कि आप जिस स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर आप महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं या हजारों कमा रहे हैं, तो वो 3-4 गुना सेल बढ़ेगी, काम बढ़ेगा और आपके विश्व विख्यात होने के योग बन रहे हैं। विदेशों में भी लाभ मिलेगा आपके बिजनेस को, या विदेशों तक आपका काम कारोबार बढ़ सकता है। तो बेहतरीन समय है मेष राशि वालों के लिए, उनको भरपूर इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं जी जाते जाते उपाय में जानना चाहूंगी शनि से संबंधित क्या है? देखिए, अगर कोई भी परेशानी आपको शनि से संबंधित है, तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि काले उड़द का दान करें और शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनेश्वरय नमः का जाप करें और शनिदेव को तिलाभिषेक करें, तो विशेष लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो शनि का मार्गी होना आप लोगों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ रहा है, यानी कि आने वाला 2024 का जो समय है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा तरक्की भरा है। बस आपको कर्म करते रहना है, उसके बाद देखिए देने वाले सिर्फ शनिदेव हैं। तो मेष राशि मेष लगन वाले लोगों के लिए मार्गी शनि का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। तो अगर आपको मयंक जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, अपनी व्यक्तिगत कुंडली भी दिखानी है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए ज़रूर संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।